Dear matric and ninth students, in this session we are going to discuss theorem 1. Theorem 1 is, if two lines intersect, the vertically opposite angles so formed are congruent. सबसे पहले जो हमें चीज दी गई है वो दी गई है दो लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं. सपोज करें कि लाइन AB को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन CD. क्लियर? तो गिवन में हमें क्या मिला? Two lines AB and CD intersecting each other at point O. और हमें vertical angles मिल रही हैं angle 1, angle 2, angle 3 और angle 4. इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो सीधी angle होती है ये 90 डिग्रीज की होती है और 90 डिग्रीज की एंगल का साइन ये होता है. ये भी 90 डिग्रीज की है, ये भी 90 डिग्रीज की है और ये भी 90 डिग्री सी है. और इस एंगल को हम राइट एंगल भी कहते हैं. इससे छोटी एंगल चाहे 89 डिग्रीज की हो या 10 डिग्रीज की हो या 5 डिग्रीज की हो या 1 डिग्री की हो, मतलब है कि 90 डिग्रीज से लेकर 1 डिग्री तक जितनी भी एंगल्स हैं उनका उनको हम इस तरह से शो करते हैं 90 डिग्रीज को ऐसे
और बाकी जितनी भी एंगल्स हैं उनको ऐसे शो करते हैं, और इससे छोटी एंगल्स को हम अक्यूट एंगल कहते हैं। और इससे 90 डिग्री से बड़ी एंगल को हम चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। और ये सीधी होती हुई बिल्कुल सीधी हो जाए तो उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री की होती है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री की होती है। और अगर स्ट्रेट एंगल से भी बड़ी हो जाए इस तरह से तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्लियर? अब हम वापस अपने थ्योरम पे आते हैं जिसमें हमें टू लाइंस दी गई हैं, जिसमें जो है ए बी एंड सी डी एक दूसरे को काट रही हैं पॉइंट ओ पर, और हमें प्रूफ करना है कि मेजरमेंट एंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल थ्री, और मेजरमेंट एंगल टू इज कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल फोर। अब क्योंकि ये एंगल वन एंगल थ्री की वर्टिकल है और एंगल थ्री एंगल वन की वर्टिकल है, एंगल टू एंगल फोर की वर्टिकल है और एंगल फोर एंगल टू की वर्टिकल है। अब हमें प्रूफ करना है कि ये वाकई वर्टिकल एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब हमने यहां प्रूफ लिखा और ये दो कॉलम्स बनाए, एक में स्टेटमेंट लिखा और दूसरे में रीजंस। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट यह है कि हमारे पास एंगल वन प्लस एंगल टू मेजरमेंट
एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. आप देखेंगे कि 1 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो स्ट्रेट एंगल बनती है. और मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्रीज की होती है. ये देखें ना, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं और ये वाली लाइन यहां से हटा देते हैं तो ये स्ट्रेट एंगल बन गई. और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्रीज की होती है. और जो दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्रीज हो उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम है वो 180 डिग्रीज है, इसलिए हम इसको कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. या सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट. इसी तरह से सेकेंड रीजन है कि मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 is equals to 180 degrees. इसका रीजन भी वही है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब आपने देखा के ये भी 180 डिग्रीज है और ये भी 180 डिग्रीज है. तो ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में बराबर होंगे. तो नंबर थर्ड पॉइंट पर हम ये लिखते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3. अगर हम इसको इस तरह भी लें कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 ये लिखा और यहां पर जो 180 डिग्रीज है उसकी वैल्यू लिख दी, क्योंकि 180 डिग्रीज बराबर है मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 के. अब रीजन में हम लिखेंगे कि बोथ एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. दोनों एंगल्स 180 डिग्रीज की हैं, इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगी. अब
हमने दोनों साइड से एंगल 2 को कैंसिल कर दिया, तो क्या हमें मिला? मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। रीजन में लिखेंगे कैंसिल या बाय कैंसिलेशन या खाली कैंसिलेशन, मेजरमेंट एंगल 2 फ्रॉम बोथ साइड्स अब पांचवी स्टेटमेंट है मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल 3। रीजन देंगे इक्वल एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। नंबर 6 रीजन है, 6 स्टेटमेंट है, इसी तरह से मेजरमेंट एंगल 2 इज कॉन्ग्रुएंट मेजरमेंट एंगल 4। रीजन भी देंगे बाय रिपीटिंग सेम प्रोसेस और नीचे लिखेंगे क्यू ई डी कोट इवेट डेमोस्ट्रेटियम, इट मींस विच वॉज प्रूव्ड। ये इजीली हमने प्रूव कर लिया है और ये इजी वे है इसका, और इसकी प्रैक्टिस करने से ये आपको मजीद याद हो जाएगा, और सिर्फ फिगर को याद रखने से ही आप पूरे का पूरा सॉल्व कर सकते हैं। क्यूईडी का मतलब है इट वॉज टू बी प्रूव्ड। ओके, खुदा हाफिज़।